गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग हिंदी में कृतिका पढ़ेंगे। कृतिका में प्रीवियस क्लास में हमने शिव पूजन सहाय की लिखी कहानी माता का अंचल पढ़ा था। आज हम लोग मधु कंकड़िया द्वारा रचित कहानी साना साना हाथ जोड़ी पढ़ेंगे। साना साना हाथ जोड़ी मधु कंकड़िया द्वारा लिखी हुई कहानी है। महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग और यंत्रवत जीवन की ऊब मधु जी को दूर दूर की यात्राओं की ओर ले जाती है और इन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांतों में शब्दबद्ध किया है। आइए देखते हैं मधु कंकड़िया द्वारा रचित साना साना हाथ जोड़ी। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बन रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह शाम और वह रहस्यमय सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अति इंद्रियों में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा, एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशली, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों का समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युक्ति से सीखे थे। सुबह हमने युमथांग के लिए निकल पड़ना था पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छी होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखी पर सामने की रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लाल फूलों के बाग में आ गई हूँ। रकम रकम अर्थात तरह तरह के रंग बिरंगे फूल। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर यमुना युमथांग था। युमथांग यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय के गहनमत घाटियों और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नारगे मुझे बता रहा था, क्या वहाँ बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। चलिए तो, जगह जगह गदराए पाइन और धूपी की खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी। एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा के प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नारगे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है उसकी आत्मा की शीतों के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं पर वे रंगीन होती हैं। नारगी बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीरें पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीरें देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कभी लॉन्ग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्मी की शूटिंग हुई थी।
तिब्बत के चीज थे बमसन ने लेपचाओं के सोमेन के कुंजेतक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआत स्थल। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नारगे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है। प्रियर वेल, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? मैं हंस पड़ती हूँ। चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद एक देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। रफ्ता रफ्ता अर्थात धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगी। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधे के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं वरन अपने विराट हिमालय अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थटानियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। और देखते देखते रास्ते वीरान सांकरे से जलेबी की तरह घुमादार होने लगे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्काने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और यह मौसम हसीन। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुड़की निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रतापों को, तो कभी नीचे चीखने चीखने गुलाबी पत्थरों के बीच इटला इटला कर बहती चांदी की तरह कौन मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ भी साथ थी यह तीस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य बड़ा कष्ठा अर्थात अंतिम सीमा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगपति, मेरे विशाल, मैंने हिमालय के सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उबलता झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगी। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों को रंगत के कैमरा में कैद करने की मशगूल थे। थैंक यू।